hello everyone till now we have completed lipid metabolism today we will start our next topic nitrogen metabolism here in this picture it is nitrogen cycle is shown here in this this atmospheric nitrogen get fixed by various processes nitrogen fixation through biological or physical processes get converted into ammonia this ammonia by various nitrifying bacteria then again converted into nitrate nitrites and get assimilated into the biomass whether it is in the plants or animals and then again goes back to the atmospheric nitrogen by the process of denitrification we will discuss in detail in the coming slides nitrogen metabolism what is nitrogen metabolism on the dry weight basis nitrogen is the fourth most abundant nutrient element in the plant the first three are carbon oxygen and what is third element hydrogen so carbon oxygen after carbon oxygen and hydrogen the fourth most abundant element in plants is nitrogen it is the most essential component of the proteins Proteins uh, are made up of amino acids, and in amino acids there is a nitrogen component. Nucleic acids, hormones, various hormones, chlorophylls, and a variety of other primary or secondary metabolites, in which nitrogen is a uh, nitrogen is a main component of those uh, metabolites. Except few microorganisms like those nitrogen-fixing bacteria, algae, or fungi, living organisms are not. एबल टू यूज द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली जो मोलिकुलर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमोस्फियर में एनटू के फॉर्म में तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दे नीड डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अदर देन मोलिकुलर फॉर्म जो एनटू है उसके अलावा वो अदर फॉर्म है नाइट्रोजन की लाइक अमोनिया नाइट्रेट्स जिसको वो यूज कर, कर सकते हैं एसिमुलेट कर सकते हैं एज ए सप्लाई फॉर देयर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन सिंथसिस डीएनए आर एन ए बिकॉज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो भी रिक्वायरमेंट है डीएनएनए की सिंथेसिस हो रही है तो एवरी वन रिक्वायर द नाइट्रोजन फॉर दर सिंथेसिस सो इट इज अ बेसिक कंपोनेंट फॉर द लिविंग बीग दिन प्रोसेस बाई विच नाइट्रोजन इज एक्सचेंज बिट्वीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज नोन एज नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म सो नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म क्या हुआ ए एक्सचेंज ऑफ द नाइट्रोजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट वो किसी भी फॉर्म में है प्लांट से है एनिमल से है डेड डिकेइंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फिजिकल कोई भी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू में जो नाइट्रोजन है वो एक्सचेंज हो रहा है नाइट्रोजन का बिटवीन द एंड द एनवायरमेंट दैट इज नोन एज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन साइकिल देयर आर थ्री मेजर पूल्स ऑफ द नाइट्रोजन फर्स्ट एटमोस्फेरिक पूल

be used uh, that will be used uh, in the biomass or in soil by various processes like biological nitrogen fixation through various microorganisms industrial nitrogen fixation uh, like formation of urea electrical nitrogen fixation and denitrification these are the processes so uh, first these three processes this molecular nitrogen get converted into the अमोनिया एंड दैट विल गो इन टू द सेकेंड पुल सोयल पुल और द बायोमास पुल तो इट मीन्स क्या है जो एटमोसफेयर पुल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मॉलिकुलर फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट विल गो टू द नेक्स्ट थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड पुल दैट इज सोयल एंड बायोमास पुल सोयल पुल में क्या है अमोनिया है अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इन नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रेट और नाइट्राइट दैट विल बी अपेक्ट बाय प्लांट बायोमास

यहाँ अमोनिया है यहाँ पे प्लांट्स ने इसको नाइट्रेट की फॉर्म में लिया अब एनिमल्स में आके क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिक जो फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है डी एसिड्स में डीएनए में आरएनए में तो वो क्या है ऑर्गेनिक फॉर्म में तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि इन थ्री पोल्स में, तो में एक्सचेंज होती रहती है एंड फॉर्म्स द नाइट्रोजन साइकिल नाउ वी कम्स टू द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉयल जो कि हम जैसे आप फर्टिलाइजर के उसमें अगर खेती करते हैं उनसे पूछोगे फॉर्म से पूछोगे हर किसी को पता है क्योंकि आजकल ये ज्यादा यूज भी होता है मोस्टली उसमें एक्सेस में यूज करने लगे इसको तो दैट इज यूरिया प्लांट्स को जब भी हम क्रॉप में क्या प्रोवाइड करते हैं उसमें यूरिया प्रोवाइड करते हैं यूरिया किस लिए वो उसको नाइट्रोजन का सोर्स है क्लोरोफिल की सिंथेसिस होगी फोटोसिंथेसिस होगी उसी से एसिमिलेट्स बनेंगे और ग्रेन बनेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्रॉप की तो वो किसके लिए यूज करते हैं हम यूरिया किसके लिए यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया में क्या होता है किस फॉर्म में यूरिया से कैसे उसको प्लांट ले लेते हैं यूरिया में मोलिकुलर फॉर्म में नहीं होती वहां पे वहाँ किस फॉर्म में होती है वहां यूरिया में अमोनिकल फॉर्म में वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है है। इसी वजह से उसको प्लांट एसिमिलेट कर लेते हैं। तो है, NH2CO, NH2. तो तो ये यूरिया यूरिया का है है है, जैसे ही जो वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो वो किस में डाउन हो जाएगा अमोनिया एंड में ब्रेक हो जाएगा। तो उस अमोनिया को प्लांट क्या है यूज कर सकते हैं तो प्लांट फ्री अमोनियम इज ओनली यूटिलाइजेबल इन द फॉर्म ऑफ जो फ्री एमोनियम है उसी की फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं मोलिकुलर नाइट्रोजन को जो कि डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो सकती है अमाइनो एसिड्स में अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स बनेंगे सेकंड क्या है सोर्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे जैसे सॉइल में प्रेजेंट है जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं तो उनका जो मैटर है वो सारा किसमें सॉयल में जा रहा है तो वहां से जो भी प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगे अमाइनो एसिड से फिर वो नाइट्रोजन निकलेगी तो ये क्या है ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से आर एन ए डीएनए जो डेड एंड डीके मैटर से उसको मिल रहा है बायोमास से मिल रहा है थर्ड फॉर्म इज नाइट्रेट और नाइट्राइट जो अमोनिया है इसी का जो नाइट्रिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज दिस नाइट्रेट प्लांट कैन अपटेक दिस नाइट्रेट तो जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और अमोनिया दोनों के फॉर्म में प्लांट उसको अपटेक कर सकते हैं तो दीज आर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से कि जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है वो बहुत प्रेजेंट है एनवायरमेंट में बट उस मोलिकुलर नाइट्रोजन को एज इट इज यूज नहीं कर सकते प्लांट्स तो उसका क्या होता है वो नाइट्रोजन फिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स तो ये क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन किस टाइप से होता है कौन सी कौन सी इसकी प्रोसेसेस हैं तो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वी हेयर वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल Nitrogen fixation. Note about the industrial nitrogen fixation. Natural processes fixes about 119 to 10 raised to power 12 gram per year. Itna nitrogen naturally एनवायरमेंट में फिक्स होता है थ्रू द वेरियस प्रोसेसिस और वो प्रोसेस क्या होंगे फर्स्ट इज लाइटनिंग जब बारिश होती है जब भी बादल गड़गड़ाहट होती है तो आप एनवायरमेंट में देखते हो ना बिजली चमकती है लाइटनिंग होती है तो वो लाइटनिंग भी रिस्पॉन्सिबल है एट परसेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो वाइल्ड में जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा क्रॉप में तो हम जैसे प्लांट्स उनको यूरिया प्रोवाइड करते हैं वहां से वो अपने नाइट्रोजन की इल्ड को पूरा कर लेते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनको राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्स करके सॉयल की जो या एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके उनको प्रोवाइड करते हैं बट बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन लेग्युमिनस प्लांट्स हैं जो कि जिनके अंदर रूट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो वो अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है कहाँ से पूरी होगी उनकी तो कुछ तो जो नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है में वहां से लेंगे और कुछ वो कहा से लेंगे जो लाइटनिंग से नाइट्रोजन फिक्स होगी वहां से भी एट परसेंट क्योंकि तो नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं तो नाइट्रोजन लाइटनिंग कन्वर्ट्स वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन इंटू हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जब भी लाइट होगी तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एनवायरमेंट में और ऑक्सीजन है उससे फ्री रेडिकल्स आर ओ एस पी सी जो बना देते हैं रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स बना देते हैं और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो फ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं ये किस पे अटैक करते हैं फिर इस नाइट्रोजन पे अटैक करते हैं और ये जो नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड की और जो ये नाइट्रिक एसिड है ये फिर किसके साथ रेन्स के साथ अर्थ पे आ जाता है और रेन के साथ अर्थ पे जैसे प्लांट्स के लीफ पे आ, प्लांट्स पे गिरेगा soil पे गिरेगा तो वो उसको एब्सोर्व कर लेते हैं और वहां से भी प्लांट अपनी नाइट्रोजन को लेते हैं सेकेंड है इसी लाइटनिंग की तरह से फिजिकल मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन कामिकल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली टू परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स ड्राइव फ्रॉम द फोटोकेमिकल रिएक्शन वो किसके बीच में होगा नाइट्रिक ऑक्साइड्स और ओजोन के बीच में दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड्स सो अबाउट टू बी अबाउट टेन परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फ्रॉम दीज टू प्रोसेसिज एंड फिजिकल फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन नेचुरली हो रहा है बट ये क्या है फिजिकल प्रोसेसिस आप इसमें देखोगे कहीं भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज नहीं हो रहे कहीं भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो दीज आर द फिजिकल प्रोसेसिस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन नाउ वी कम्स टू द थर्ड पार्ट दैट इज द मेन पार्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन

एंटर तो हो जाएगी बायोकेमिकल साइकिल में हो जाएगी फिर सेवरल ऑर्गेनिक और फाइनली रिटर्न किसमें होगी क्योंकि साइकिल है नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल है वो कन्वर्ट हो रही है एक्सचेंज होगी और वापस से किसमें वो एक मोलिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो, हो जाएगी तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन

ंग और फोटोकेमिकल प्रोसेस जो की टेन परसेंट हैलोसेस का रेट है, है वो मोलिकुलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे प्लांट एक्वाइजेशन की जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ उसको प्लांट भी तो करेंगे ना फिर तो प्लांट एब्सॉर्व करेंगे और अमोनिया और नाइट्रेट को दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड इमोबलाइजेशन जो माइक्रोबियल एबजॉर्बशन और एसिमिलेशन है जो माइक्रोब्स एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर उसको मोबिलाइज करके रखेंगे दैट इज अमोनिफिकेशन बैक्टीरियल और जो फंगल है जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर है सोयल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको अमोनियम में कन्वर्ट करेंगे दैट इज अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन में क्या है जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन होगा टू द नाइट्राइट एंड देन फाइनली टू द नाइट्रेट तो जो अमोनिया है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी स्टेप के थ्रू तो वो क्या हो जाएगा नाइट्रीफिकेशन मिनरलाइजेशन बैक्टीरियल एंड फंगल कैटाबोलिज्म ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर टू द मिनरल नाइट्रोजन थ्रो अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन अमोनियम फिक्सेशन जो अमोनियम uh, का सोयल पार्टिकल्स में फिक्सेशन होगा डी जो बैक्टीरियल कन्वर्जन होगा नाइट्रेट का टू द नाइट्रस ऑक्साइड एंड मोलिकुलर नाइट्रोजन में डी नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा उसका मोलिकुलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी वापस से नाइट्रेट लीचिंग प्लांट्स को हम कितना भी यूरिया प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को जितने रिक्वायरमेंट होगी दे आर मच इंटेलिजेंट देन अस वो उतना ही एक्वायर करेंगे बाकी जो क्या है वो उसमें वाटर टेबल में लीच हो जाएगा तो दैट इज नोन एज नाइट्रेट लीचिंग थैंक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन